हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए डोसा। फ्रेंड्स, हम व्रत में ज़्यादातर के खीर खाते हैं या फिर खिचड़ी खाते हैं, तो क्यों ना आज हम कुछ नया नाश्ता बनाएं। तो चलिए आज हम बनाते हैं व्रत के लिए डोसा, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कटोरी साबुदाना लिया है जिसको मैंने अच्छे से धो के 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो हम इस साबुदाने को इस मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्सर में बारीक कर लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डालती हूँ और अब हम इसको मिक्सर चालू करके पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरीके से साबुदाने को बारीक कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने साबुदाने निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक आलू, मैंने जिसको बॉईल करके क्रश कर लिया है, जिसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक करके काट लिया है, तो हम ये भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसको भी हमने बारीक कट करके ये भी हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डाल रहे हैं जीरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने काली मिर्च को बारीक कर लिया है, तो ये भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है, आपके हिसाब से जो भी नमक आप व्रत में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये मूंगफली है जिसको मैंने अच्छे से भून के इसका बारीक पाउडर बना लिया है, तो ये भी हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे मूंगफली पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये दही लिया है, हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डालेंगे। अगर आप यहाँ पर नींबू डालना चाहते हैं तो नींबू भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जीरा डाला है। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हो, आपके हिसाब से आप व्रत में जो भी खाते हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, नहीं तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डो इस तरीके से बनकर तैयार है। अब हम इसे रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चटनी बनाने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बहुत सारा हरा धनिया, यहाँ पर हमने लिया है एक अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पर हमने 3-4 हरी मिर्च ली है, और यहाँ पर हमने दही लिया है, ये मूंगफली, और ये नमक, और ये कड़ी पत्ते हमें तड़का लगाने के लिए। तो चलिए चटनी बना दें। फ्रेंड्स, हम इस मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ हरा धनिया, और ये जो हमने मिर्च रखी थी मिर्च, और यहाँ पर ये हमने अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पर हम डाल देते हैं मूंगफली। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चटनी बना ली है। ये देखिए इस तरीके से हमने जो धनिया मिर्च रखा था उसको अच्छे से हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम रख देते हैं घी तड़का लगाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है, तड़का पैन। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम घी में डालते हैं जीरा। अब हम इसको हिला देते हैं, और अब मैं डालती हूँ यहाँ पर कड़ी पत्ता, अच्छे से हिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा हो गया है। अब हम तड़का इसमें डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं डोसे की तरफ, तो हम डोसा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है। अब हम तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर डोसा बनाने का डो फैलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर डोसे छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। तो मैं इस तरीके से डोसे को फैला देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डोसा, ये देख सकते हैं आप, इसके आसपास से किनोर पे से डोसा थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब हम इसे पलट सकते हैं। तो हम इसे पलटते हैं, पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डोसा कितना अच्छा बना है। अब हम इसको थोड़ा सा पक जाने देते हैं, फिर प्लेट में निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डोसे को देख लेते हैं एक बार, और हम इसे इस तरीके से पलट देते हैं, और इस पे हम घी लगा देते हैं इस तरीके।
तो फ्रेंड्स हम इसको पलट देंगे फिर से एक बार और फिर से इसके ऊपर हम इस तरीके से अच्छे से घी लगा देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है ये, जब हम घी के बनाते हैं तो डोसे बहुत अच्छे लगते हैं और व्रत में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खिचड़ी खाने का कभी मन ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे डोसे बन गए हैं, गैस हमने बंद कर दिया है और हम ये देखिए फ्रेंड्स हमारे डोसे कितने अच्छे बने हैं, अब हमने एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे व्रत के लिए डोसा बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही जल्दी बनता है और फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही हेल्दी बना है। अगर आपका खिचड़ी खाने का मन नहीं होता है व्रत के समय में तो आप इस तरीके से कुछ नया नाश्ता बना के फटाफट से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।